सरकार मुर्दा बाद मुर्दा करेंगे तानाशाही नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे माता सरकार मुर्दा बाद मुर्दा बाद मुर्दा बाद बीजेपी सरकार मुर्दा बाद मुर्दा यहाँ पर नागपुर शहर जिला कांग्रेस महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शर्म करो यह आंदोलन छेड़ा गया है मणिपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का निषेध करने के लिए। मैं उनका हौसला बढ़ाने यहाँ पर आया हूँ और उनके साथ संविधान चौक तक के भी मैं मार्गक्रमण करने वाला हूँ। यहाँ जो घटना है मणिपुर की ये अत्यंत संवेदनशील है और किसी भी व्यक्ति को हिला देने वाली है। एक महिला को निर्वस्त्र करके उसका जुलूस निकाला जाना, इसको कतई भारतीय संस्कृति में कोई स्थान नहीं है। जो बड़ी बड़ी संस्कृति की बात करते हैं वे इस पर बोल भी नहीं रहे हैं। 90 दिन के आसपास आज हो चुके हैं, इनका मुंह उसके लिए नहीं खुलता, इनका मुंह तो वोट मांगने के लिए खुलता है। ये देख रहे हैं इनके जो सिपहसालार है जिनको सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इनका टेन्योर ख़त्म हो गया, इनको घर बैठना चाहिए, उनके लिए वो कैसे वापस लाया जाए उसके लिए बात करते हैं, लेकिन यह ये बात नहीं करते कि इस घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका निषेध करते हैं और हम इस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे और उन लोगों को अरेस्ट करेंगे, शांति लाएंगे। बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो लोग वहाँ आंदोलन कर रहे हैं वे आदिवासी समाज के हैं, एक पिछड़े समाज के हैं, उनकी भी बातों को समझने की आवश्यकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि देश का प्राइम मिनिस्टर, यह प्राइम मिनिस्टर नकारा प्राइम मिनिस्टर है, इसको ना महिलाओं की चिंता है ना यहाँ के गरीबों की चिंता है। यह अपने पूरे बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को और भाई को ही मदद करना चाहता है, इसको किसी भी प्रकार की भावना नहीं है।